शालीन खतरों के खिलाड़ी, पर उसके लिए दो चीजों की जरूरत होती है। फिजिकल फिटनेस तो है ही, एक्चुअली तीन, इसका स्ट्रेंथ और इसका स्ट्रेंथ, और वो तीनों स्ट्रेंथ आता है लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू। अगर मैं बोलूं फ्लैशबैक, इतने सालों का जर्नी इन द एंटरटेनमेंट बिजनेस, वो कौन से तीन मोमेंट्स थे जो टफ थे तुम्हारे लिए और तुमने कहा ये और ये स्पेशली काम में आया? बिग बॉस में सबसे ज़्यादा तो वो था कि ये और ये बहुत ज़्यादा काम में आया। मुझे लगता है कि आज मुझे दुनिया इतना प्यार करती है इस बिकॉज मैंने इसको ही काम में ज़्यादा लेकर आया बिग बॉस में, और लोगों ने मुझे देखा कि मैं अच्छा आदमी हूँ और मैं इंसान अच्छा हूँ, है ना। वो बोलते ना क्या, टेढ़ा है पर मेरा है ना, वैसा। सो आई थिंक वो हमेशा काम आता है भाई। एंड आई थिंक जीवन में भी आपको ये समझना चाहिए कि इसकी ना इसको इसकी ज़रूरत आपको इसको ना इस्तेमाल करने के लिए चाहिए होती है, इसको इस्तेमाल करने के लिए नहीं, इस्तेमाल आपको यही करना चाहिए, है ना, क्या ये कंटेंजेंसी के लिए। क्या आपको लगता है हमारे बिजनेस में लोग इसको इतना इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे चतुराई आ जाती है, दूसरों के डाउनफॉल के बारे में सोचते हैं, दूसरे क्या करते हैं वो बाकी को एक्टर्स वो एंटरटेनमेंट बिजनेस करता है बहुत? भाई मैं नहीं करता, और मुझे लगता है अगर कोई करता है तो वो वेस्ट कर रहा है एनर्जी, वो पूरी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, क्योंकि इस इंडस्ट्री का काम, इस इंडस्ट्री में काम इसका है ही नहीं। इस इंडस्ट्री में इसका काम सिर्फ तब आता है कि आपके आपको कैमरा पता हो, आपको लाइट्स पता हो, आपको डायरेक्शनल एंगल पता हो, आपको वॉइस मॉड्यूलेशन है वो पता हो, उसकी नॉलेज होने के लिए आपको ब्रेन की ज़रूरत है। एक्चुअली इस इंडस्ट्री में इसकी ज़रूरत नहीं है, इस इंडस्ट्री में आपको दिल की ज़रूरत है, इस इंडस्ट्री में फीलिंग्स की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक्टिंग जो जॉब है वो बेसिकली इमोशन का है, मेंटल गेम का नहीं है, वो स्टॉक मार्केट है ना। सो वो जो कर रहे हैं वो, और वो बनने के लिए और वो जो भी कर रहे हैं, नहीं यार, साच को आज क्या, जो आदमी चल रहा है, जो आदमी अच्छा करेगा, वो कुछ भी ना करे तो वो हिट है। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज व्हाट इज़ योर कोर बिजनेस। योर कोर बिजनेस इज हार्ट, नॉट योर ब्रेन इन दिस इंडस्ट्री। ब्रेन इज बहुत छोटा सा पार्ट एंड नॉट मच। वो कौन सा फेज था जब शालीन को इतना काम नहीं मिला और जहाँ पे शालीन को पैसे की अहमियत समझ में आई? भाई मैं आपको एक सच बताऊँ, मैं बहुत साल पहले मेरे पिताजी ने मुझे एक बात बोली थी जो मैंने बहुत गांठ बांध ली। उस टाइम पे तो मुझे उसकी उसका रिजल्ट, उसका जो इंपॉर्टेंस है ना, वो नहीं समझ में आई थी जब पापा ने बोला था। अच्छा 10 साल 15 साल पहले की बात है, पापा ने मुझे एक बात बोली थी कि पाप बेटा, जब मैं नया नया पैसा कमाना चालू किया और मैं ना जो मेरी पहली सैलरी थी उससे लिए मैंने सबके लिए कुछ कुछ खरीदा, पापा के लिए पेन खरीदा, मम्मी के लिए कुछ खरीदा, यू नो वॉच खरीदी, एक ऐसे कि यार पेमेंट मिली है ऐसा वाला। कितने साल पहले था ये? 15 ईयर्स बैक। एंड दैट टाइम पापा ने मुझे एक बात बोली थी, पापा ने बोला बेटा पैसा बोलता है पर पैसा एक ही चीज़ बोलता है, पैसा बोलता है कि आज तुम मुझे बचाओ कल मैं तुमको बचाऊंगा। जो ये फैक्ट है मुझे बहुत साल बाद में रियलाइज़ हुआ कि अगर आप पैसे को बचा के रखोगे तो किसी न किसी दिन ज़रूरत के समय पे आपके अपने या आप खुद बचोगे, क्योंकि पैसा आपको बचा लेगा, वेदर इट इज़ मेडिकल, वेदर इट इज़ एनीथिंग, वेदर इट इज़ कंटेंजेंसी, अपने बड़े हैं आपके, वो सबको बचाने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है भाई। तो उस चीज़ का ख्याल मैंने बहुत साल पहले रखा, और मैं आपको, मैं ज़्यादा बताता नहीं हूँ लोगों को, लेकिन मैंने बहुत थोड़े थोड़े से 5-5 हज़ार जब मैंने जमा करने चालू किए थे तो मैं वो म्यूचुअल फंड में डाल देता था, FD में डाल देता था, जो उसके बारे में मैं भूल गया था। पहले क्या होता था कि एक फिगर से कम में आपको GST, तब तो इतना सब होता नहीं था, 15 साल पहले इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, आपको वो आपका जो नंबर होता था, पैन नंबर जो होता था, वो आपको 49,000 से ऊपर का आप डालोगे तो होता था, है ना, यू रिमेंबर? हम लोग उसी जनरेशन से भाई। तो तब ऐसा था नहीं, तो 5-5 हज़ार का तो ट्रैक भी नहीं होता था। वो 5-5 हज़ार का ट्रैक बहुत बाद में आया, जब आपका KYC आपको अपडेट करना था और आपको हर चीज डिक्लेयर करनी पड़ी, वो बहुत बाद में आया। जब वो हुआ तो मुझे याद आया कि अरे यार मैंने वहां पे भी डाला था 5,000 रुपए, मैंने वहां पे भी डाला था 5,000 रुपए, वहां 15,000 रुपए डाला, 25,000 रुपए, और आप यकीन माने मैंने अपनी जिंदगी की उस टाइम की सबसे महंगी गाड़ी वो 5-5 हज़ार के ग्रोथ से करी, कि 10 साल में वो 5,000 रुपए 50,000 रुपए हो गया, या 60,000 रुपए हो गया, या 1,00,000 रुपए हो गया, ऐसा। सो दैट इज़ वॉट यू डू व्हेन यू सेव मनी, इट हेल्प्स यू। कैन आई टेल यू वन थिंग एंड बी वेरी कैंडिड ऑन दिस पार्ट? हाँ जी। मैं देखता हूँ बहुत बार, जब मैं TV एक्टर्स को देखता हूँ, परफॉर्मर्स को देखता हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों से निकलते हैं,
बाद में पता चला गाड़ी उनकी नहीं है, वो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए क्लिक करके डाल देते हैं। हाँ जी। या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है और बाद में आपको पता चलता है कि उनको मार्केट को पैसे देने हैं, चेक्स बाउंस हो रहे हैं, ये सब होता है। हाँ जी। एंड समवे यू फील सैड कि उनको इतना दिखाना पड़ता है। और कभी कभार तुम मनोज बाजपेयी जैसे लोगों को देखते हो जो इतने बेसिक लाइफ जीते हैं। तुम्हें भी ऐसे कभी लोगों ने बोला, अरे शालीन बाकी सब छोड़ो बड़ा गाड़ी फ्लॉन्ट करो, और तुम्हें क्या कहना है ऑन एक्टर्स हु फ्लॉन्ट जब है नहीं? नहीं, बहुत गलत है भाई, मुझे लगता है। मैं आपको अपनी लाइफ का एक फंडा बताता हूँ जो मैंने हमेशा किया हुआ। एक मैंने किटी बनाई थी एक ज़माने में, आज से 18 साल पहले। किटी पार्टी क्या? नहीं, किटी ऑफ मनी। अच्छा, किटी ऑफ मनी बनाई थी। और मैंने वो सोचा था ये मेरा जिसको हम जुआ गलत शब्द है, बट जो होता ना यार, चलो इसमें खेलते हैं, है ना, ये स्टॉक खरीद लेते हैं या ये कर लेंगे। मैंने बोला यार ये पैसा ऐसा है जो जिसके साथ है ना, मैं इसको ग्रो करने की कोशिश करूंगा। मैंने अपने पूरे जीवन में आज तक, और मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं वो जानते हैं, मैंने कोई भी गाड़ी खरीदी है वो उसके प्रॉफिट से खरीदी है। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट यू शुड डू। कार इज समथिंग विच इज ऑफ नेसेसिटी, नॉट फॉर फ्लॉन्टिंग। बिकॉज आप कुछ भी कर लो, आप कभी उस चीज़ को फ्लॉन्ट नहीं कर पाओगे, अपने जीवन में भी नहीं कर पाओगे, दूसरे के जीवन में तो क्या ही करोगे। क्योंकि यहाँ पे तो फरारीज भी है, लेम्बोर्गिनी भी है, रोल्स रॉयस भी है। सो यू कैनॉट डू ऑल ऑफ दैट। एंड अगर आप किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से जीना चालू करोगे तो आप ना मर जाओगे, लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। सो वो नहीं करना चाहिए। एंड यू शुड ऑलवेज थिंक कि आपकी ज़रूरत कितनी है और उस ज़रूरत के हिसाब से आप क्या खर्चा कर रहे हो। एक चीज़ है, तुमने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट की, तुमने कहा बिग बॉस में लोगों को समझ आ गया कि मैं अच्छा इंसान हूँ, आई एम अ गुड पर्सन, राइट? कभी ये परसेप्शन कहीं और उल्टा था कि नहीं? कहीं तुमने ये सुना कि अच्छा यार, यू नो, शालीन मे नॉट बी दैट गुड, ही माइट बी एरोगेंट, ही माइट बी लाइक दिस, एंड यू वांटेड टू शो द वर्ल्ड कि देखो मैं अच्छा इंसान हूँ? या दैट इज द रीजन आई वेंट टू बिग बॉस। बिकॉज मैं कभी इतना सोशल नहीं था बिग बॉस से पहले, ना सोशल मीडिया पर सोशल था, ना मैं PR मतलब इतना मेरा वो था, ना मैं पार्टीज जाता हूँ, मैं आज भी नहीं जाता। अगर आपने मुझे कभी देखा होगा किसी अवार्ड में भी, तब जा रहा हूँ या तो अवार्ड मिल रहा है और या फिर मैं उसमें परफॉर्म कर रहा हूँ तो ही मैं जाता हूँ। तो मेरा सोशल इंटरेक्शन, Page 3 पार्टीज होती थी, आपने कभी देखा है मुझे? कभी नहीं। मैंने हार्डली कभी मैं कोई ऐसी जगह पर गया हूँ जहाँ पर, अभी बिग बॉस से आने के बाद में आपने फिर भी देखा होगा, बिकॉज देर इज़ अ सोशल ऑब्लिगेशन। बट मैं पहले से बहुत अलूफ सा था, सो मेरे बारे में परसेप्शन बहुत सारे थे। जैसे कि बी कैंडिड मतलब आई स्वेयर टू गॉड, ऐसा कुछ नहीं है जो आप मुझे मेरे बारे में बताओगे जो मुझे मेरे बारे में, मैंने नहीं सुना। कोई भी वाइल्डेस्ट आप और मैंने सुना होगा, जैसे बोलो ना। मैंने अपने बारे में सुना है कि आई हैव एंगर इशूज, आई एम वुमेनाइजर, आई एम गे, नॉट दैट आई हैव एनीथिंग अगेंस्ट देम, बट आई एम नॉट, बट आई हैव हर्ड दैट आई एम गे, एंड आई हैव हर्ड अबाउट स्टोरीज, एंड देर आर लॉट ऑफ स्टोरीज, एंड आई हैव हर्ड अबाउट एवरीथिंग। आई एम अ सन ऑफ अ पॉलिटिशियन, बिग पॉलिटिशियन, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बट समबडी वॉज वेरी रेलिवेंट, एंड आई एम अ सन ऑफ दैट गाय। आई हैव हर्ड लिटरली एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ, एंड देर केम अ टाइम वेयर देर वॉज नथिंग विच आई एम इल्यूमिनाटी। ये तो सिंपल ने बोला था एक पार्टी में, सिंपल कॉल है ना, आई रिमेंबर हर टेलिंग, आई थिंक शी वॉज द वन who said, and she told me something that, oh, you are looking very, you know, you're looking very good, mela Jai Shri Ram. And then later on she came to me, bol, tumne Jai Shri Ram kyun bola? And I'm like, kyun? She's like, aren't you Illuminati? Mela Ram Bhakt Aadmi Illuminati. So I have literally heard everything like that. And main kabhi kabhi wo aise wo bhi karta hu, you know, people pose like this, I pose like this, because I always said, yaar, life kaisi hai, bahut achhi hai, very good. To mera wo unko lagta tha ki wo kuch aayi hai ya kya hai, और वो इल्यूमिनाती का साइन है? नहीं नहीं, साइन है कुछ नहीं है, वो लाइफ इज़ गुड यार, अपन बोलते ना, कैसा क्या हाल है, बढ़िया भाई, फर्स्ट क्लास। तो आई हर्ड सो मच अबाउट माई सेल्फ कि मुझे लगा यार एक बार तो बताओ लोगों को कि मैं क्या हूँ। और बिग बॉस मैंने इससे ले गया, मैंने लगा चलो ठीक है, गुड बैड वट एवर लोग जज करेंगे मुझे पता है, पर मैं वही रहूँगा जो मैं हूँ, है ना, जो भी फॉल्ट्स भी हैं, मैं कोई ऐसा सच्चा आदमी, मैं अच्छा आदमी ऐसा कुछ नहीं है, अपन वही हैं, अपन अच्छे हैं, तो अपना पूरा जर्नी अच्छी रही। तो जब तुम्हें ये सारी चीज़ें बुलाई गई, anger issues, womanizer, being gay, like we all say, is not wrong at all. Not at all. Politician ka son, vagera vagera. Haan. Right? I'm apparently, mujhko to pata bhi nahi wo paise kahan hain. I'm apparently, I'm very rich. Matlab, main sach mein, mereko aisa khabrein aayi hai ki matlab, mere paas matlab, aisa empire hai pura, aise nahi bhai, jo bhi banaya, khud se hi banaya hai. Aur wo 1500 rupaye se chalu kiya tha. To jab ye cheeze boli jati thi, tumhare mein hurt hota tha? Haan, bahut hota tha yaar. But also, कि मैं दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को जज नहीं करता भाई। मैं सुबह जाता हूँ,
मैं आईने पे जाता हूँ, मैं बोलता हूँ तू कैसा है, ये भाई ऐसे ही आना। रात में मैं जाता हूँ उसी आईने पे देखता हूँ और मैं बोलता हूँ तू ऐसे ही आया, बढ़िया है, कहीं कुछ बदलाव हुआ, नहीं बदलाव हुआ, कुछ अच्छा किया, हाँ लाइफ में अच्छा किया, किसी बुरा नहीं किया ना, नहीं नहीं किया, रिपोर्ट कार्ड टाइम। एंड दैट इज़ वाई आई हैव नेवर थॉट ऑफ वॉट पीपल थिंक अबाउट मी, आई हैव नेवर गिवन दैट थॉट, क्योंकि अगर मैं वो सोचना चालू कर दूंगा तो मैं मुझसे अलग हो जाऊंगा और मुझे मुझसे अलग नहीं होना। भाई जैसे खतरों के खिलाड़ी हो, जब रियलिटी शोज होते हैं लोग दोस्त बन जाते हैं या खफा हो जाते हैं एक दूसरे, जो भी है, बिग बॉस में दोस्त हो जाते हैं, पर एक लाइन होता है जो लोग कहते हैं कि रियलिटी शोज के बाद जो दोस्ती होती है वो भी खत्म हो जाती है, दुश्मनी भी खत्म हो जाती है। जो दोस्त तुमने बिग बॉस में बनाए थे वगैरह वगैरह, उन सब के साथ टच में हो कि नहीं? मैं साजिद भाई का मुझे बिल्कुल टच में हूँ, और साजिद भाई को मैंने अंदर बोला था कि वो बड़े भाई जैसे हैं, एंड जबकि हालांकि कुछ लोगों ने मुझे ऐसा बताया भी कि उन्होंने मेरे बारे में कुछ बुरा भला बोला था अंदर, वो कॉन्ट्रोवर्सी भी बनाते थे कि मुझे इविट कैसे करना है ना, बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, एंड ही कीप्स कॉलिंग मी, और वो मुझे कॉल भी करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं वो लिटरली। आज भी साल भर हो चुका है, इतना टाइम हो चुका है, आए दिन हर रो हर कुछ दिनों बाद में साजिद खान का मेरे को मैसेज आता है और वो बोलते हैं तू ठीक है, मैं बोलता हूँ हाँ जी भाई, और बोलते हैं डन, उस मतलब ऐसा है। सो आई एम इन टच विद हिम एंड आई थिंक वन ऑफ द जो मैंने रिश्ता बनाया है वो सारी जनताओं के साथ में, तो जनता के साथ में तो बनाया है, लेकिन साजिद भाई से मैंने वो एक नया रिश्ता बना जो मेरे बिग बॉस के बाद। बट क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि दोस्ती सब अपने रास्ते चले जाते हैं जब रियलिटी शो खत्म हो जाती है? हाँ भाई, मुझे लगता है कि वैसे होनी भी चाहिए, क्योंकि वो बहुत अबनॉर्मल स्पेस होता है, आप कभी ऐसा होगा नहीं कि आप मैं और आप लड़ेंगे रोटी के लिए, है ना, कभी खाने के लिए नहीं लड़ेंगे, कभी आप मेरी कॉफ़ी नहीं चुराओगे, जो मुझे बहुत अबनॉर्मल लगता था, बट वो क्या करोगे सर, शो में शो का फॉर्मेट है, तो आपने मेरी कॉफ़ी चुरा ली, अंडा चुरा लिया, कभी नहीं चुराओगे। तो वो जो आपकी दुश्मनी भी है ना, वो उसकी मोहताज होती है कि यार तुमने क्यों किया ऐसा, मैंने विश्वास किया था, उस शिट विश्वासघात किस चीज़ का हो रहा है, अंडा चुराने का। तो जब बाहर आते हो तो मुझे लगता है कि वो चीज़ छूट जानी चाहिए पीछे, और सबको गॉड ब्लेस करना चाहिए। मैं आज भी जो थोड़े बहुत मैंने रिश्ते बनाए अंदर, मैं उनके साथ में हूँ, मैं शिव की मम्मी को हर महीने फ़ोन करता हूँ और उनसे बात करता हूँ, और वो कभी पहले वो स्टार्टिंग में बड़ी सरप्राइज होती थी, अरे तूने फ़ोन किया, मैंने हाँ आई आपने, मतलब क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा से इतना प्यार दिया, अंदर इतना प्यार दिया, भले वो एक दिन के लिए थी, बट मेरी माँ बाद में आई थी, मेरी मम्मा बाद में आई थी, शिव की माँ पहले आई थी, तो मेरे लिए वो आई अभी भी वैसी है, मैं आए दिन फ़ोन लगा लेता हूँ उनको, मेरी कभी शिव से बात नहीं होती पर आई से हमेशा बात होती है। सो इट्स लाइक दैट, इट्स दैट रिश्ता। तो अब आप किससे दिल का कनेक्शन होगा और बाहर आने के बाद में वो दोनों तारें जुड़ेंगी तो आपका एक रिश्ता बनता रहेगा, अलग अलग बन जाएगा, वैसा है। सिड के का अंगार, व्हाट कम्स टू योर माइंड जब मैं असीम रियाज का नाम लेता हूं? रैपर। आपको मालूम है ना का जो बिग बॉस में अल्टीमेट राइवलरी जो लोग कहते हैं वो है सिद्धार्थ शुक्ला और असीम रियाज का, वो मोमेंट्स आपने फॉलो किया था असीम, क्योंकि वो आपके साथ शो में होने वाले हैं? मैंने फॉलो नहीं किया भाई, पर मुझे पता है उनका बहुत ऐसा वो था, सिद्धार्थ मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और मैं उसको बहुत हमेशा मिस करता हूँ, बट हैविंग सेड दैट वो एक अलग शो था, जैसे मैंने बोला वो शो की दुश्मनी भी वहीं पर थी, आई थी उनकी, उनका बड़ा दुश्मनी सी थी ना कुछ, तो दोस्ती भी थी दुश्मनी भी थी, मिक्स था, सो आई थिंक कि वो उनकी वहीं ख़त्म हो गई होगी, आई एम श्योर, एंड बहुत साल हो गए तो आई एम श्योर कि असीम भी अब मेच्योर हो गया होगा, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग, मैं मिला नहीं हूँ अभी तक उससे। अभिषेक छोटा भाई मुझे, अरे ये तो यार हाँ कि वो हमारा बेकाबू का था वो, कि बेकाबू में वो मेरे साथ में था, तो ना जब भी ऐसा होता था कि मुझे उसको बोलना होता था, और क्योंकि माइक होता था ना, कोई शूट हो रही होती थी तो आप बोल तो सकते नहीं थे, तो मैं इशारों में बात करता था उससे, वही चीज़ मैंने वहाँ पे भी करी, मतलब कुछ थमा दिया था मैंने सुना है। नहीं नहीं, राम जी का लॉकेट था वो, राम जी का लॉकेट था, और क्योंकि वो शो का फॉर्मेट ऐसे है कि वो आप रिलीजियस चीज़ वो उतना कैप्चर नहीं, उनको दिक्कत होती है बिग बॉस को, रिलीजियस चीज़ें नहीं दिखाते इतना, तो इसलिए मैंने उसको हाथ में थमा दिया था कि उसको पता चले कि यार राम जी हैं ऐसे, और कलश को तो पता ही था, उन्होंने इनफैक्ट बोला भी कि क्या शालिन ने दिया है, और उन्होंने शायद रखवा भी लिया था वो ऐसी, बट मुझे उसको देना था क्योंकि मुझे लगा बहुत उस टाइम पर वो कमज़ोर सा था, और बहुत उसको मुझे ऐसा लगा कि उसको ज़रूरत है किसी की आशीर्वाद की भी जरूरत है, किसी अपने की भी जरूरत है, इसलिए मैं गया था। That was a very beautiful moment, भाई। Thank you so much, भाई। बहुत अच्छा, उस वो moment ने मेरा दिल जीता, और भाई। Thank you so much, सच्चे दिल से यार। कि मैं बहुत मैं अटैच्ड हूँ अभिषेक के साथ भी, मैं दिल से अटैच्ड हूँ, तो मुझे लगा जो मैं उससे कहना चाहता था वो तुम कह रहे थे यार। मैं मुझे बहुत खुंदस हो गई थी भाई, मैं जेन्युइनली मैं जब गया था तो मुझे ये लोग पहले भी चाह रहे थे कि मैं आऊँ कुछ पार्ट में, मैं न्यूयॉर्क में था, और जब मुझे न्यूयॉर्क में पता चला
कि अभिषेक के साथ में ऐसा ऐसा हुआ है और किसी ने उसको इतना प्रोवोक किया कि उससे हाथ उठ गया और ऐसा सब हुआ, मेरे को इतना ऐसा लगा क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे शो में क्या होता है और मुझे पता है कि आप कितना ज़्यादा वनरेबल होते हो उस टाइम पे। उस टाइम पे अगर कोई उस चीज़ का फ़ायदा उठा ले तो गलत है, चाहे जो भी रीज़न हो। आज तो अब वो बहुत अलग हो गया, लेकिन उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था, नहीं यार मेरे भाई को किसी ने ऐसा किया, तो आई वॉज वेरी डिस्टिंग यार नहीं यार नहीं जाना चाहिए उसके पास। मैंने सुना कि मेरा भाई प्यार भी ढूंढ रहा है, तो तुम्हें लगता है खतरों में प्यार मिल जाएगा तुम्हें? मुझे लगता है अभिषेक को मिल जाएगा, मुझे उसने बोला भी है। हाँ उसने मुझे बोला भी है और मेरी ये, उसने मेरे को बोला कि भाई बस एक काम कर देना भाई काम हाँ उसने मुझे वो ड्यूटी दी है। एक्चुअली शो भी मैं उसके कहने पे कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, कलर्स ने जितनी बार मुझे बोला है उससे ज्यादा तो अभिषेक मुझे वो फोन करके बोल चुका, भाई कर लो ना, भाई पकड़ लो ना, भाई कर लो, वो इतनी बार बोल चुका है मुझे करने को कि मैंने क्या क्या है, तू जाना एंजॉय करना, नहीं भाई तू वहाँ पहुँच जाना, पापा जाना। और जैसे ही मैंने हाँ बोला है, उसका फोन आया, उसको पता चला कि शालिन भाई ने हाँ बोल दिया है, तो पहले जो उसने बोला भाई सुनो मुझे इंग्लिश नहीं आती, वहाँ पे ना कोई अगर होगी ना जो मुझे पसंद आएगी तो आप कम्युनिकेट कर देना, ये उसका कंसर्न है। खतरों के खिलाड़ी में उसका कंसर्न वो स्टंट नहीं है, उसका वो है कि उसको इंग्लिश नहीं बोली जाएगी और उसको मेरी असिस्टेंस उसके लिए चाहिए। मतलब तो माने तुम स्टंट्स के लिए नहीं जा रहे हो, अभिषेक की सेटिंग के लिए जा रहे हो? मुझे ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि बाकी तो राम भरोसे ही है, मैं तो ये तो पता भी नहीं कि वहां पे क्या करेंगे अपन शेर चीते के साथ में, तो वो उनको अब वो करेंगे जो करेंगे, अपन क्या करेंगे। बट कीशु श्रॉफ है, निमृत है, या या या, तो भाई तुम भी तो प्यार पा सकते हो। सॉरी नहीं 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 यार, मैं मुझे लगता है कि मेरा कोटा प्यार का ना थोड़ा सा हो सा गया है। मैं सिंगल ही बहुत खुश हूँ, मेरा वो डॉग है स्वैग आप मिले हो, वो और मैं, हम लोग बड़े खुश हैं एक दूसरे के साथ में, वो आके हक कर देता है मुझे, प्यार भी करता है, लिख भी कर देता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उसकी चुम्मियाँ मुझे चाहिए बस। माने वो बेस्ट चुम्मी है तुम्हारी, वो लाइफ की बेस्ट है वो, और संतुष्ट वाली। सुबह आओ आप जा रहे हो तो वो उदास हो जाता है, आप आते हो तो ऐसे हक करता है आपको कस के, उछल उछल के। हाँ गीली वाली भी दे देता है, गीली गीली वाली पपियाँ। थैंक यू मेरे भाई, बहुत अच्छा लगा यार। थैंक यू, एंड ऐसे ही खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू, एंड व्हाट आई नो ऑफ यू इज यू गॉट अ हार्ट ऑफ गोल्ड, यू ऑलवेज गिव मी लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, एंड आई बिलीव कि शौहरत वौरत तो अलग बात है, मैं बस चाहता हूँ हमेशा खुश रहो और अभिषेक की सेटिंग करके आ जाना पक्का। थैंक यू सो मच। और अंग्रेजी में सही लाइन बोलना, पत्ता कटवा के मत आ जाना। तो मैंने, मुझे लग रहा है कि अगर हम दोनों को एक ही से प्यार हो गया तो मैंने पत्ता कटवा देना उसका। He your brother, your brother. He is saying good sister. Good sister. हाँ, बोलेगा मैं उसको बोलूँगा मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। मैंने अच्छा, treat takes you like sister, राखी, ऐसा। Me lover boy. हाँ, he thinks we both very nice together. ये बहुत different होने वाला है भाई, खतरों के खिलाड़ी। Guys, please watch खतरों के खिलाड़ी दिस सीजन, क्योंकि ये अलग ही खतरे चल रहे हैं वहां पे। सेटिंग उसका क्या, खुद करके आ गए। हाँ, मतलब गए थे 14 कंटेस्टेंट, वापस 15 आ रहा है, कोई और ही चाल के साथ में आ रही हैं। भाई मेक श्योर कि अभिषेक डजंट गूगल वर्ड्स लाइक सिस्टर, ब्रदर, ये वर्ड नहीं समझ आ रहा, क्यों ये तुम इस्तेमाल करो। नहीं नहीं, अपना भाई है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसकी सेटिंग तोड़ो। शालीन, बाय। See ya.